हेलो दोस्तों, टेक्निकल रेमेडी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं Xiaomi के एक नए फोन Mi 8 यूथ के बारे में, और उसके बाद आपको Xiaomi के Redmi Note 5 Pro के MIUI 10 के आपको स्टेबल अपडेट के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में जो आपको एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आपको देखने को मिलेगा उसको हिट करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर आप अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, गूगल प्लस भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आपको इन सारे जो सोशल मीडिया के लिंक्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं Mi 8 यूथ के बारे में। दोस्तों, इस फोन के बारे में जो है कई दिन से अलग अलग तरह के जो है रिमर्स निकल कर सामने आ रही थी। मैं अपने वीडियो में कभी नहीं इसके बारे में बात की थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज जो है थोड़ा बहुत स्पेक्स निकल कर सामने आए हैं जो कि कंफर्म है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर लूं। दोस्तों, इस फोन में जो है सबसे पहले बात करते, इसमें आपको मे बी MIUI 10 का जो है आपको स्टेबल अपडेट साथ में आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद ये जो फोन है आपको चाइना में 19 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। अब बात करते इस फोन के कुछ स्पेक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो है आपको इस फोन में स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए और सबसे लेटेस्ट आपको स्नैपड्रैगन का 7110 प्रोसेसर आपको देखने को मिला है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, ये Xiaomi जो है आपको स्नैपड्रैगन का जो भी प्रोसेसर लेटेस्ट आता है सबसे पहले जो है Xiaomi इसे परचेज करता है और Xiaomi ही इसे अपने फोन में डालता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, जो कि Xiaomi का फोन जो है काफी ड्यूरेबल और काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो ये फोन जो है आपको जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि इसमें जो है आपको स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो कि लेटेस्ट है। क्या कुछ इंटरफेस निकल कर सामने आएगा जब ये फोन लॉन्च होगा उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अब बात करते हैं इस फोन के डिजाइन के बारे में। दोस्तों, जहां तक इस फोन के डिजाइन के बारे में बात करें तो यहां पर आपको मिलता है ग्रेडिएंट ग्लास बैक पैनल। दोस्तों, इस फोन का जो डिजाइन है हल्का हल्का आपको ऑनर के फोन से मिलता है। ऑनर का जो कि जैसे कि आपको बैक पैनल आपको देखने को मिल रहा था, ऑनर का बहुत सारे ब्रांड है, ऑनर 99, ऑनर 9 Lite, ये सब जो फोन है इनसे थोड़ा थोड़ा जो है पीछे का डिजाइन मिलता है। और उसके बाद इस फोन में जो है आपको दो पीछे की तरफ कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, और साथ में आपको LED फ्लैश और उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस फोन में आपको पीछे की तरफ बॉटम में आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि इस फोन की जो एस्पेक्ट रेशियो है वो आपको 19:9 की देखने को मिलेगी, और डिस्प्ले भी आपको मे बी 6 इंच के आसपास हो सकता है। डिस्प्ले साइज के बारे में नहीं बताया गया है, और नॉच डिजाइन भी इस फोन में आपको देखने को मिल सकता है। अब स्टोरेज के बारे में बात करें तो आपको इसमें 3 स्टोरेज वेरिएंट जहां तक बताया जा रहा है आपको देखने को मिल सकता है, 4GB, 6GB और 8GB। और उसके बाद आपको इसमें जो है इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें तो इसमें आपको 32GB, 64GB और 128GB के लिए आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इंडिया में कौन सा आपको वेरिएंट लॉन्च होगा, मे बी आपको इंडिया में 6GB और 8GB हो सकता है, या 4GB, 6GB वेरिएंट लॉन्च हो सकता है, तो उसके बारे में जो है हम आने वाले दिन में आपसे बात करेंगे। और हाँ, इस फोन में जो है आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ओरियो का ही देखने को मिलेगा, मे बी आपको जो है पाई का अपडेट इस फोन में मिल सकता है। तो बस इस फोन की जो है इतना ही लीक्स निकलकर सामने आए। प्राइसिंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया, और मैं इसके बारे में जो है आपको कोई अनुमान नहीं बता सकता। अब बात करते हैं Redmi Note 5 Pro के बारे में। दोस्तों, अभी Redmi Note 5 Pro जो है करंट अपडेट जो है वो स्टेबल अपडेट 9.6.4 पे चल रहा है, और हाँ, MIUI 10 के बीटा अपडेट काफी पहले ही आ चुकी थी, लेकिन अब भी जो है स्टेबल अपडेट आ गया है। तो अगर आप Redmi Note 5 Pro यूजर हैं तो आप जो है जाके अबाउट सेक्शन में सिस्टम अपडेट में देख सकते हैं कि आपके फोन में जो है MIUI 10 के लिए स्टेबल अपडेट आया है कि नहीं। मे बी आपको नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे जो है सभी के फोन में आपको MIUI 10 का जो है स्टेबल अपडेट आ जाएगा। उस फोन में जो है आपको है ना 2-3 बदलाव किए गए, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बदलाव जो है कुछ खास नहीं है। तो उसमें बताया जा रहा है कि गेस्चर सपोर्ट तो आपके नोट 5 प्रो में पहले से ही है। उसके बाद बताया जा रहा है कि इस फोन में जो है आपको ये जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाएगा, तो हो सकता है देखें क्या कुछ जो है इम्प्रूव करने को मिलेगा। और कुछ खास MIUI 10 में जो है आपको नहीं बताया गया है, तो देखेंगे कि अपडेट आने के बाद जो है क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो बस इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ही जाइएगा, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और फिर मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।